अलवर न्यूज के रिपोर्टर त्रिलोक शर्मा और रुपेश शर्मा के अनुसार स्वर्गीय युवरानी महिंद्रा कुमारी की पुण्यतिथि पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एवं श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली सीएमएचओ कार्यालय परिसर में कंसंट्रेटर व मेडिकल उपकरण वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर विश्व पोलियो दिवस के अवसर पर बच्चों को अपने हाथों से पोलियो की खुराक पिलाई। कार्यक्रम के समापन पर वर्षा ऋतु में घरों में साफ सफाई रखने की लोगों को शपथ दिलाई। इस मौके पर अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, एडीएम सिटी उम्मेदीलाल मीना, सीएमएचओ ओम प्रकाश मीना, हॉस्पिटल पीएमओ सुनील चौहान, आरसीएचओ अरविंद गेट सहित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी मौजूद थे। पूर्व राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि सीएमएचओ कार्यालय से पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के हाथों पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। आज पल्स पोलियो अभियान का यहाँ पे शुभारंभ किया गया आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के हाथों, और हम देख रहे हैं कि ये अभियान जब शुरू हुआ था, जब इसके बारे में सोच थी, उसकी वजह से आज धीरे 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 पोलियो देश ही नहीं अपितु दुनिया से खत्म होता जा रहा है। और मैं खुद एक अपने आप में ये बताना चाहूँगा, मेरे खुद के पैर में पोलियो हुआ था, और निश्चित तौर पर उस समय ये चीज़ें नहीं थी, दवा नहीं थी इसकी, लेकिन आज सिर्फ दो बूंद हम पिला रहे हैं। और एक जो इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पूरा सुरक्षा चक्कर बन जाएगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं रहेगा जिसने दो बूंद पीने से वंचित हो, और ये अभियान पूरे विश्व के अंदर जिस तेज़ी से चला है उसी का कारण है कि आज पूरे विश्व पोलियो मुक्त होता जा रहा है। साथ के साथ आज डेकन कंपनी के द्वारा 60 कंसंट्रेटर अलवर जिले के जो हमारे हॉस्पिटल हैं पीएचसी सीएचसी है उनके लिए दिए गए हैं, हम उनको धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से जो अलवर जिले के अंदर कंपनी स्थापित हैं वो लोग मेडिकल इमरजेंसी जो आई हुई है इसमें हमारा सहयोग करेगा। मैं पुणे डेकन को धन्यवाद करता हूँ। कभी तो समय पर उपलब्ध हो जाएगी, इसका फॉलोअप क्या रहेगा? फॉलोअप